हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे बहुत ही क्विक यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो T5 बीकॉम में है और उनका पेपर कल है, तो यार वो लोग बड़े डरे हुए से है कि सर पता नहीं चलता क्या पढ़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और लाइकली क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज टू बी आस्क। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अभी से मैं बोल देता हूँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, वरना एक दो क्वेश्चन भी नहीं आते। एक दो क्वेश्चन आते हैं, अरे नहीं आते तो भी डांटते हो, सर आपने बोला था ये, इसमें से ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मतलब ये देख लेना। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, ये वीडियो को बहुत ही मैं मतलब कम में रखूंगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो बेसिकली हमारे दो टाइप के चैप्टर हो जाएंगे। एक वाला हो जाएगा पर्सनल फाइनेंस वाला, एक जो चैप्टर है वो डिडक्शन वाला हो जाएगा। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिंक में मैंने आपको सारे चीजें लिखी हुई है कि मेरे दूसरे कौन से रिलेटेड वीडियोस इस सब्जेक्ट पे है, तो प्लीज आप वो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस में भैया मेरे हिसाब से तीन या चार सम आएंगे। पहला आ जाएगा कि ये बंदे की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है वो गिनो, ठीक है। तो एक एक ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि मकान दुकान ये सब इतना इतना है और कार बार इतनी है और इतनी लायबिलिटी है, तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैसी हो गई, आपको वो पहले तो देख लेना है। एक ये चीज हो गई। उसके बाद कुछ दिया होगा कि भाई ये आपका, हाँ ये जो है वो सेकंड आपका आ जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा आ जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। अब यार अगर आपको ये हार्ड लगता है, भाई कुछ है नहीं खास, सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, नेट एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और एक ही सम है जिसके अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो ऐसे नेटवर्थ क्या हो जाता है, लिक्विड क्या होगा, सेविंग्स क्या होगा, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, और टैक्स वैक्स का कुछ होगा। तो आई थिंक ऐसे करके मेरे हिसाब से ये पांच, आई थिंक ऐसे करके मेरे हिसाब से ये पांच छः आ जाएगा। और यार पंगा यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी डिडक्शन है एक एक चीज तो आ सकती है, ATC CC। अब यार ये ATC के अंदर एक तो लाइफ इंश्योरेंस का आएगा। अब ये लाइफ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम होता है, मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, अब उसमें पंगा क्या होता है, किसी में डिपेंडेंट है और किसी में डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको बस वही चीज देखनी है। फिर उसके अंदर ऐसा है कि सम एश्योर से 20% से ज्यादा 2012 में था, उसके बाद 10% से ज्यादा अगर इंश्योरेंस भरते हो तो नहीं है, तो ये दो चीज हो गई। उसके बाद PF, पेंशन, इक्विटी शेयर, कहाँ कहाँ पैसे डालते हैं और कितना मिलता है, तो जहां जहां पे लिमिट है ना भैया वहां से MCQ आ सकता है। तो ATC, ATCCC और ATCCD ये सारा मिला के 1.5 लाख रुपया होता है। अब इसके बाद ATCCC के बाद ADD, अब यहाँ पे भी लफड़ा होता है, मेडिक्लेम कौन किसको देगा, पापा का मेडिक्लेम, मैं मेरे पापा का मेडिक्लेम भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, मेरे पापा का इंश्योरेंस भरूंगा तो मेरा सीन होगा, मेडिक्लेम भरूंगा तो होगा, ये रूल है। अब बंदों को वही पता नहीं होता, अब मेडिक्लेम कितना आ जाएगा, उसमें से एक सीनियर सिटीजन कितना होगा, तो ऐसे सम्स यहाँ पे आ सकते हैं। मैं अगर ज्यादा डिटेल में जाऊँ तो सेक्शन 80U बराबर या 80DDB, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव बीमार होगा या वो हैंडीकैप होगा, यहाँ पे मैं हैंडीकैप होता हूँ। तो ऐसी चीजें अगर आप एक बुक या पेन में 1 घंटे के लिए भी लेके बैठ जाते हो, रादर देन स्टडिंग 250 MCQs, मैं बोलता हूँ अगर आपने इतना किया तो आपके मार्क्स जो है बढ़ने लाजमी है। आगे मैं जस्ट 2 मिनट लेना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं तय दिल से
बिना सेल्फ सेल्फिश कोई मोटिव हेल्प कर रहा हूं और ये वीडियो सही में एक वैल्यू दे रहे हैं आपको, तो प्लीज भैया इसे शेयर कीजिएगा। दो बटन दबाने में कुछ नहीं जाने वाला है, तुम जितने फ्रस्ट्रेटेड हो तुम्हारा फ्रेंड भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद एक 80GG वाला सेक्शन है, लेकिन वो बहुत हार्ड है, तो यार 80GG जाने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 80E में लोन मिलती है, लोन इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट किस पे होती है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो लोन मिलती है, ग्रेजुएट होता है दो लोन होती है, ऐसा थोड़ी जो चीजें है वो देख लेना। तो ऐसे मेरे हिसाब से 4-5 MCQs ये वाले आ जाएंगे, 1-2 MCQs वो हो जाएगा कि गुप्ता जी जो है 60 साल के हैं, जिनकी इनकम 40 लाख रुपया है तो उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, और शर्मा जी जो है वो 40 साल के हैं, उनकी इनकम 7 लाख को है तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा वो देख लेना। फिर अगर होगा तो 4-5 ये 1-2 टैक्स के लिए, बराबर 1-2 टैक्स के लिए, और उसके बाद जो है बाकी का थोड़ा ऐसे करके मेरे हिसाब से ये 15 MCQs आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप क्या करो, अभी जैसे मान लो के अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 6:45 हुए हैं, तो 6 से लेके 8 बजे तक आप ये पर्सनल फाइनेंस वाला देख लो, 8 बजे के बाद तो ATCCC, ATCCD, ATC, ATD, ATE, ATU, ATGG मत करना, बराबर है, फिर वो HRA वाला सेक्शन है, ऐसे यार 8-10 सेक्शन है, और सीनियर सिटीजन होता है तो कितने लाख का है, तो वो अगर देख लोगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छी पोजिशन पर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत ज़्यादा वीडियो है। तो चलो दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात, मिलते हैं लाइव में आज रात को।